हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं कोई वीडियो नहीं आपको देने वाली हूँ क्योंकि आज आपका एग्जाम खत्म हो गया है। तो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। पहले तो ऑल द बेस्ट अब आपको आपके रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे काफी मैसेजेस आ रही हैं स्टूडेंट्स की, जिनके लिए करंट क्रंच जो है फायदेमंद साबित हुआ है। मोर देन 80-85% ऑफ पेपर दे वर एबल टू सॉल्व, ऐसे मैसेजेस बच्चे कर रहे हैं। मेरे वीडियो लेक्चर्स जिन्होंने सीरियसली फॉलो किए थे इन कंपाइल पीरियड, ठीक है। तो थैंक यू, आपके सारे मैसेजेस मुझे मिले। कई को मैं रिप्लाई कर पाई पर कई को मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। एंड ये वीडियो एक काफी अहम चीज के लिए आज रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया एंड वो काफी डिस्टर्ब थी जो हुआ है उनके एग्जामिनेशन सेंटर में उस चीज से, ठीक। तो मैं आपको डायरेक्टली जो उस स्टूडेंट ने मुझे एक ये भेजा है, उसको मैंने कहा था मुझे एक रिटर्न मैसेज भेजो ताकि उसको मैं फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो अपने एंड से कुछ जर्नलिस्ट को मैंने फॉरवर्ड किया है, बट आई डोंट नो वेदर दे विल टेक अप दिस इशू और नॉट। इस वजह से आई थॉट कि मैं एक वीडियो खुद से रिकॉर्ड करती हूँ। एंड आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि ये जो मैसेज है ये हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे एंड फर्दर कोई भी एग्जाम अगर उस सेंटर में हो प्रॉपर एक्शन लिया जाए। एंड ये जो एग्जाम वहां पे हुआ है इसमें भी जो है उन पे ओवरलुक किया जाए अथॉरिटीज के थ्रू उस सेंटर पे, कि उस सेंटर के ओएमआर शीट्स के रिजल्ट में या ओएमआर शीट्स ट्रांसपोर्ट करने में उस सेंटर से कोई फर्दर गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ उस स्टूडेंट की मैसेज पे। ये मैंने उनको रिटर्न फॉर्मेट में भेजने को कहा था। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर है BHS बॉयज हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हंदवाड़ा, नियर मेन चौक हंदवाड़ा, ठीक है। एंड सेंटर कोड था K4607, ठीक है। तो इश्यूज क्या क्या हुए थे, स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ है। एक तो पहले उनको रॉन्ग सीरीज ऑफ OMR प्रोवाइड किया गया था टू द स्टूडेंट्स एंड वॉज टेकन अवे आफ्टर 10-15 मिनट्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो 10-15 मिनट तक बच्चे जो हैं वो OMR शीट से लगे हुए हैं एंड 10-15 मिनट के बाद उनका जो OMR शीट है उनको बोला जाता है कि वो रॉन्ग सीरीज का है। अनदर सीरीज ऑफ OMR वॉज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स आफ्टर फिलिंग न्यू OMR शीट्स, स्टूडेंट्स रियलाइज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज प्रोवाइडेड वॉज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है ये कि क्वेश्चन पहले तो OMR शीट में गड़बड़ कर दी, फिर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज है वो भी गलत दी गई थी, ठीक है, एंड वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी वापस ली गई थी। तो जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ये कोई छोटी मिस्टेक नहीं है, ये अच्छी खासी मिस्टेक है। एक तो पहले ये गड़बड़ हुई, इससे क्या होता है स्टूडेंट्स का साइकी इसमें इन्वॉल्व होता है, पहले नर्वस हो गए, ठीक है, नर्वसनेस की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एंड सेकेंडली एक ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है कि क्या उस सेंटर पे फर्दर ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है, कि क्या वो OMR शीट सही से आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या बाकी जो इनको फॉर्मेलिटीज करनी होती है वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं। एंड इस प्रोसेस में 20-30 मिनट स्टूडेंट्स के वेस्ट हुए थे एंड उनको बोला गया था उनको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स दिए जाएंगे एंड लास्ट में उनको सिर्फ 5 मिनट्स टोटल दिए गए थे, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी अनफेयर रहेगा इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाले टाइम में, ठीक है। एंड क्या हुआ था, स्टूडेंट्स जो है दे आर फोर्स टू साइन अ रिपोर्ट विच जस्टिफाइड देयर नेग्लिजेंस एंड फ्यू स्टूडेंट साइन दैट रिपोर्ट विच वाइल अदर्स डिड नॉट, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने साइन भी कर दिया डर के मारे कि आप इस पे साइन करो कि सारा जो हमने काम किया था, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई कि सेंटर में सारा काम सही से हुआ है एंड उस पे जबरदस्ती स्टूडेंट्स का साइन भी लिया गया था, ठीक है। ऑल दे हैड टू से अबाउट द इनजस्टिस वॉज ट्रस्ट अल्लाह एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ये जो है स्टूडेंट ये नहीं डिमांड कर रहे कि हमारा री एग्जाम हो या ऐसा कुछ, एग्जाम कैंसिल हो जाए, ऐसी कुछ चीज हो, बस दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि अथॉरिटीज की नजर में वो सेंटर आए एंड अब जो उनका फर्दर फॉर्मेलिटीज होती है OMR सबमिट करने के बाद वो फॉर्मेलिटीज वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आई थॉट कि मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ, मैंने अपने एंड से कुछ जर्नल से भी ये शेयर किया ये चीज ताकि ये मीडिया में आए, ये थोड़ा लाइमलाइट में आए ये इशू। एंड कंसिडरिंग जो नीट का स्कैम अभी हुआ, नेट भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसे माहौल में स्टूडेंट्स काफी वरीसम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि ये जो कंसर्न अथॉरिटीज है वहां तक ये वीडियो पहुंचे एंड वो भी इस वीडियो को देखे एंड कोई प्रॉपर एक्शन ले, ठीक है। एंड आपको क्या करना होगा, आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपको फर्दर भी इस एग्जाम्स जो है ये सारे SSB के, PSC के, UPSC के ये सारे एग्जाम्स आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जब तक मैं आपका नेक्स्ट कोर्स लेके आती हूँ जो कि होपफुली आपके KS एग्जाम प्लस नायब तहसीलदार NT एग्जाम का होगा, तब तक आपको क्या करना होगा, रेस्ट करना होगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।